रेवाड़ी के भाड़ावास रेलवे फाटक अंडरपास निर्माण कार्य बना जी का जंजाल, लोग घुट घुट कर जीने को हुए मजबूर। बता दें कि रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग पर भाड़ावास जाने वाले रास्ते पर धीमी गति से चल रहे रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य अब लोगों के गले की फांस बनता जा रहा है। फाटक के साथ लगते हंस नहर वासियों का कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों से इस अंडरपास का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। बरसात के दिनों में यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और बात अगर वाहनों की करें तो उन्हें शहर आने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर रामपुरा गांव से होकर आना पड़ता है। इतने नहीं बल्कि अंडरपास के साथ से सर्वे रोड की चौड़ाई भी कागजों में 22 फुट दर्शाई गई है, लेकिन कुल 16 फुट का ही रास्ता दिया गया। अब ऐसे में ना तो मोहल्ले के अंदर स्कूल वैन, कूड़े की गाड़ी, एम्बुलेंस व दमकल तक की गाड़ियां इतने सकड़े रास्ते से नहीं प्रवेश कर पाएंगी। हंसनगर वासियों का कहना है कि वैसे तो सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है और हमारे मोहल्ले में कूड़े की गाड़ी तक प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसे में मोदी की स्वच्छता अभियान को सफलता कैसे मिल पाएगी। मेरा नाम मैना और रेवाड़ी से न्यू आदर्श नगर से है, और हमारा पुड़े का काम चल रहा है क्योंकि हमारा रास्ता चाहिए, हम सब दिन जाएंगे कहाँ से। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि 4 साल हो गए हमें, कोई सुनाई नहीं दे रहा पुड़ की वजह से। और आप एक साइड में 5 बंदे चल के देखो उसमें, फिर आपको पता चल जाएगा कि सड़क की चौड़ाई, हाँ चौड़ाई चाहिए हमें रास्ता पूरा। 17 फुट का रास्ता बोला था, वो 17 फुट का रास्ता दिखाओ आप, हमें वो साफ करवाना चाहिए। और हमें किसी से कुछ कहना नहीं, कुछ सरकारी काम हो सरकारी करे। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अब भी पानी से चल के आ रहे हैं, सीवर पीछे भरे खड़े हुए हैं, सभी बताओ कितने परेशान हो रहे हैं। पगडंडी का रास्ता नहीं है जी। मेरा नाम वर्षा सैनी, न्यू आदर्श नगर। हमारे को ये है जी, पगडंडी का भी रास्ता नहीं है। जैसे कि भाई कोई भी व्हीकल आता है तो एक इधर से आ जाता है, तो एक इधर से आएगा तो वो खड़ा रहना पड़ेगा उसको जब तक वो नहीं निकलेगा। सिर्फ 7.5 फुट का रास्ता है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई इसको चौड़ा करो, तो वे नुकरे के भी ये इतना ही रहेगा। पुल वालों ने बोला हमारे को, पहले कितना बताया था रास्ता? पहले हमारे को बताया 17 फुट। अब कैसे कम हो गया, किसी ने कब्जा कर रखा है? नहीं जी, कब्जा नहीं कर रखा किसी ने, उन्होंने तो अपनी पुल की जगह पूरी ले ली, लेकिन अब तो छोटा ही रास्ता बचा है ना, तो पहले के भाई सबके पास नोटिस भेज रखा है, अब उन्होंने सबने ही जी भाई जो ये रास्ता निकलेगा उसी में तो हम वो करेंगे। अब हम कहाँ जाए, सीवर भी फुल भरा पड़ा है, पगडंडी का भी रास्ता नहीं है हमारे को तो फिलहाल निकलने के लिए। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जी हमारे को रास्ता दिलाया जाए। नमस्ते जी, मेरा नाम सुलोचना छावड़ी, वाइफ ऑफ नगर मोहल्ला। हमारे मोहल्ले में जी पुल का काम चल रहा है, चार उसमें कोई गली था, हमारी गली है जो मेन गली है, वो रास्ता हमें 7 फुट का दिया जा रहा है, हमें 17 फुट का रास्ता चाहिए। गाड़ी देख, कोई बीमार हो गया, किसी इमरजेंसी, किसी की डिलीवरी है, कुछ हो गया तो कैसे निकाल पाएंगे किसी, पहले हमें ये बताए सरकार से। हमें रास्ता दीवार भी बना दी, दीवार तो बना दी, पुल वाले बोलते अब ये दीवार नहीं हटेगी, हमें कितनी बार, हमें क्या पता साइड में इधर मकान बन रहे, हमें किसी से कुछ नहीं, हमें रास्ता चाहिए। किसी की डिलीवरी, कोई केस हो गया उसका कौन जिम्मेवार होगा, कहीं फायर बिल्डर कोई मकान बनाएगा, पीछे कहाँ से लेके जाएंगे मटेरियल का सामान, हम आग लग गई, कोई गैस सिलेंडर फट गया, फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी है, बच्चे है डिलीवरी टाइम पे, कोई स्कूल के लिए स्कूल वैन में नहीं, कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही अंदर से, फिर गंदगी में हम वही मरण घुट घुट के बने, इसका क्या फायदा। इससे तो जिन्हें सरकार बोली स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान, कहाँ से स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान बनेगा, वैसे ही घुट घुट के मर रहे हम लोग। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, आप तो मीडिया वाले हो, अंदर हमारी गली में जाकर देखो इतना गंदगी का सीवर ऐसा और फुल हो रहा है कि पूरी गंदगी फुल पड़ी है, कि अब क्या करना चाहिए इसका। सरकार किसी के पास जाते हैं, सबको मिलेगा मिलेगा आश्वासन, अच्छे सही से कोई नहीं बता रहा क्या करना क्या नहीं करना, रास्ता चाहिए वैसे।